वेलकम टू डेडिकेशन अब दोस्तों, आज है 28 अगस्त 2020 और हम आज के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है। तो आइए अब हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत करते हैं। आज का पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महाकुंभ कब होगा? ऑप्शंस हैं जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021 और अप्रैल 2021। तो इसका सही आंसर है जनवरी 2021 में उत्तराखंड में महाकुंभ संपन्न होगा। अब देखिए, इसने 2022 में होना था लेकिन 2021 में इसको किया जाना है। अब यहाँ पर आप शेड्यूल देख सकते हैं कि पहला जो शाही स्नान कब होगा, 11 मार्च 2021 को, और प्रमुख स्नान के दिन कौन से हैं, तो गुरुवार 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांति के दिन से ही आपका जो हरिद्वार कुंभ है यह प्रारंभ हो जाएगा। आइए डिटेल से जानते हैं। अब देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में तय किया गया कि हरिद्वार में 14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ तय समय पर ही होगा। कब होगा? 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांति के दिन। अब देखिए, कोरोना का जो संक्रमण है इस पर ही निर्धारित होता है कि यह जो आयोजन है यह भव्य होगा या फिर सामान्य रूप से होगा। अगर संक्रमण कम हुआ तो भव्य होगा, नहीं हुआ तो सामान्य रूप से आयोजन किया जाएगा। तो कब होगा? 14 जनवरी 2021। अब देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में 10 प्रस्ताव पास किए गए। अब यहाँ पर बात की जा रही है कुंभ मेले के बारे में, तो आइए इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, कुंभ को न केवल भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व प्राप्त है बल्कि यूनेस्को ने भी इसे साल 2017 में ग्लोबल इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। किसमें? ग्लोबल इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया। कब? 2017 में। इसका अर्थ होता है कि यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर मान्यता दी गई। किसके तौर पर? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर मान्यता दी गई। कब दी गई? 2017 में। अब देखिए, यह मेला हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर लगता है। कब लगता है? गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर होने पर लगता है। अब यह जो स्थिति है यह कब बन रही है? आपकी 2021 में बन रही है, इसलिए 2021 में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए, यह जो पर्व है मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक चलता है। कब से कब तक? मकर संक्रांति से लेकर गंगा दशहरा तक चलता है। तो देखिए, 2010 में पहले कुंभ हुआ था और अब कब होगा? 2021 में होगा। अब देखिए, चीनी यात्री वेनसांग ने इस मेले को मोक्ष पर्व कहा है। क्या कहा है? मोक्ष पर्व कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चीनी यात्री वेनसांग ने इस मेले को क्या कहा है। तो क्या कहा है? मोक्ष पर्व कहा है। अब देखिए, आपको बता दूं कि 634 ईस्वी में जो चीनी यात्री वेनसांग है यह हरिद्वार आया था। कब आया था? 634 में आया था। कहां आया था? हरिद्वार आया था। और देखिए, इसने हरिद्वार को क्या कहा? मो यू लू। क्या कहा? मो यू लू कहा। किसने कहा? चीनी यात्री वेनसांग ने हरिद्वार को मोयुलू कहा और इस मेले को इसने क्या कहा? मोक्ष पर्व कहा। और गंगा को इसने क्या कहा? महाभद्रा कहा। याद रखिएगा, कुंभ मेले को कहा मोक्ष पर्व, हरिद्वार को कहा मोयुलू और आपकी गंगा को कहा महाभद्रा। अब देखिए, उसके अनुसार, किसके अनुसार? वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने भी कुंभ महोत्सव पर हरिद्वार में हर की पौड़ी, जिसको आप ब्रह्मकुंड भी कहते हैं, हर की पैड़ी को और क्या कहा जाता है? ब्रह्मकुंड कहा जाता है, पर यज्ञ आदि कर स्नान एवं दान पुण्य का लाभ प्राप्त किया था। तो वेनसांग के अनुसार महाराजा हर्षवर्धन ने क्या करा? कुंभ महोत्सव पर हरिद्वार में जो हर की पैड़ी है यहाँ पर यज्ञ करा, स्नान करा और दान पुण्य का लाभ भी प्राप्त किया था। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है किन किन शहरों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब देखिए, एक मान्यता है, हिंदू धार्मिक मान्यता है कि जब असुरों और देवताओं के बीच में अमृत को लेकर युद्ध हुआ तो अमृत की कुछ बूंदें छलक कर धरती पर गिर गई और जिन जिन स्थानों पर अमृत की यह बूंदें गिरी वह धार्मिक महत्व के स्थान बन गए। अब देखिए, हरिद्वार में जिस स्थान पर अमृत की यह बूंदें गिरी वह स्थान कौन सा है? हर की पैड़ी। कौन सा? हर की पैड़ी। इसी वजह से हर की पैड़ी या हरी की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अब देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंद्र के बेटे जयंत, कौन? इंद्र के बेटे जयंत के घड़े से अमृत की बूंदे भारत में 4 जगहों पर गिरी। कौन कौन सी जगहें हैं? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। कौन कौन सी? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और इन्हीं स्थानों पर क्या होता है? कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। याद कर लीजिए, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, UNPH। UN को आप याद कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन, PH को आप कर सकते हैं फोन। तो आपने कहा कि भाई यूनाइटेड नेशन में फोन कर, क्या कर?
यूनाइटेड नेशन में फोन कर, UN यूनाइटेड नेशन PH फोन, भाई यूनाइटेड नेशन में फोन कर, समझ में आ गया। तो U मतलब हो गया आपका उज्जैन, N मतलब हो गया नासिक, P मतलब हो गया प्रयागराज और H मतलब हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। तो इन स्थानों पर क्या है, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और मान्यता क्या है कि यहाँ पर क्या है, अमृत की बूंदे गिरी थी। अब देखिए इन इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और देखिए हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में सिप्रा, नासिक में गोदावरी, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर कुंभ का आयोजन होता है। कहाँ कहाँ, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में सिप्रा, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब देखिए हरिद्वार आप जानते हैं उत्तराखंड में है और आपका जो प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है और उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में है। तो किन किन राज्यों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, किन किन नदियों के किनारे होता है, किन किन जगहों के किनारे होता है और किन किन राज्यों में होता है। तो देखिए आपका हरिद्वार उत्तराखंड में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, नासिक आपका महाराष्ट्र में है और उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में है। तो किन किन जगहों पर होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि आपका जो कुंभ मेला है उत्तराखंड में ये कब होगा, तो जनवरी 2021 में होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आज इवनिंग से हम पर डे 10 क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे और PDF भी दी जाएगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली, तो आज शाम से जरूर देखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को निर्यात रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है, निर्यात रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका सही जवाब है पहला, यानी उत्तराखंड को निर्यात रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। अब देखिए यहाँ पर आप वर्षवार इसकी स्थिति देख सकते हैं, किसकी, निर्यात की। तो देखिए वर्ष 2017-18 में कितने करोड़ था, 9,390 करोड़, और 2018-19 में कितना हुआ, 16,285 करोड़। और देखिए इस वर्ष इसको क्या, निर्यात रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। अब देखिए रिपोर्ट में देश के 9 हिमालय राज्य, कितने, 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को निर्यात रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। कौन सा स्थान, पहला स्थान। अब समझिए नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, निर्यात तत्परता सूचकांक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उत्तराखंड ने 48.11% अंक लेकर निर्यात में बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। यानी 48.11 अंक के साथ उत्तराखंड क्या पहले स्थान पर है। अब देखिए दूसरे स्थान पर कौन है, त्रिपुरा, कितने अंकों के साथ, 40.79 अंकों के साथ। तीसरे स्थान पर कौन है, हिमाचल प्रदेश, कितने अंकों के साथ, 38.85% अंकों के साथ। यानी पहले नंबर पर है उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर कौन सा हिमालय राज्य है, त्रिपुरा। अब देखिए त्रिपुरा को 1972 में, कब, 1972 में हिमालयी राज्य घोषित किया गया था। अब देखिए इसके बाद बात करें हम, तीसरे नंबर पर कौन है, हिमाचल प्रदेश, कितने अंकों के साथ, 38.85 अंकों के साथ। और हिमाचल प्रदेश को 1971 में हिमालयी राज्य घोषित किया गया था। यानी पहले नंबर पर आपका उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर त्रिपुरा, तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश। अब देखिए इस श्रेणी में उत्तराखंड समेत त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागपुर शामिल थे। अब यहां पर आपको बता दूं कि टोटल हिमालय राज्य कितने आपके, 11 हैं और 11वां कौन सा आपका, उत्तराखंड है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, पहली बात कि हिमालय राज्य क्या हुए। देखिए हिमालय राज्य का मतलब हुआ कि हिमालय किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, वह सभी राज्य आपके क्या है, हिमालयी राज्य है। अब देखिए उत्तर प्रदेश से, कहां से, उत्तर प्रदेश से 13 हिमालयी जिलों को काटकर, कितने, 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27वां राज्य बना। कब, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27वां राज्य बना। कैसे, उत्तर प्रदेश से 13 हिमालयी जिलों को काटकर, और इस प्रकार से यह भारत का 11वां हिमालय राज्य बना। कौन सा, 11वां हिमालयी राज्य बना। अब देखिए 11वां हिमालय राज्य तो उत्तराखंड बना, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला हिमालय राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हिमालय राज्य कौन है आपका, असम घोषित हुआ। कौन सा, असम घोषित हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, और यह एकमात्र राज्य है, किसकी बात कर रहा हूं, असम की। यह एकमात्र राज्य है जो आजादी से पहले हिमालयी राज्य घोषित हुआ। कौन सा आपका, असम। असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो आजादी से पहले हिमालयी राज्य घोषित हुआ। कब, 1947 से पहले। अब देखिए आगे देखते हैं, 2018-19 में उत्तराखंड ने 16,285 करोड़ का निर्यात किया था, जो पिछले वर्षों की तुलना में 73% अधिक था। मैंने शुरुआत में आपको डाटा दिखाया था, तो देखिए 2018-19 में क्या हुआ, 73% अधिक हुआ निर्यात। अब देखिए प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही
सरकार नई निर्यात नीति लागू कर सकती है। क्वेश्चन था कि उत्तराखंड ने हाल ही में निर्यात रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो कौन सा क्या है, पहला दूसरा त्रिपुरा का, तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में 26 अगस्त को उत्तराखंड की किस महान विभूति की 134वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन है बलदेव सिंह आर्य, खुशीराम आर्य, स्वर्गीय मुंशी हरिप्रसाद टमटा और जयानंद भारती। तो इसका सही आंसर है स्वर्गीय मुंशी हरिप्रसाद टमटा। हाल ही में 26 अगस्त को इनकी 134वीं जयंती मनाई गई। आइए अब डिटेल से जानते हैं। अब देखिए 26 अगस्त को राय बहादुर स्वर्गीय मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की 134वीं जयंती मनाई गई। जन्म कब हुआ, 26 अगस्त 1887 और कुछ कुछ बुक्स में 1888 भी दिया गया है। न्यूज़पेपर में 134वीं जयंती लिखी गई थी, इस हिसाब से इनका जन्म 1887 में हुआ था। तो जन्म कब हुआ, 26 अगस्त 1887, कहाँ हुआ, अल्मोड़ा में एक दलित परिवार में हुआ था। तो जन्म हुआ 26 अगस्त 1887 में, कहाँ हुआ, अल्मोड़ा में हुआ था। देखिए दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, किसने निभाई, राय बहादुर स्वर्गीय मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने। अब देखिए 1905 में इनके द्वारा टमटा सुधार सभा का गठन किया गया। किस सभा का, टमटा सुधार सभा का गठन किया गया, कब किया गया, 1905 में किया गया, जिसे बाद में शिल्पकार सभा के नाम से जाना गया। और देखिए 1934 में सामाजिक चेतना के उद्देश्य से अल्मोड़ा से समता साप्ताहिक का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया। अब देखिए शिल्पकारों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए इन्होंने सफल प्रयास किया और शिल्पकारों का यज्ञोपवीत कराकर उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्यक्रम भी चलाया। और देखिए 1932 में हुए पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था उसमें इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का समर्थन किया था। और देखिए इनका निधन हुआ था 1960 में। जन्म कब हुआ, 26 अगस्त 1887 और कुछ बुक्स में 1888 दिया गया है। और निधन कब हुआ, 1960 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है कि हरियाली मेला कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है सुरकंडा मंदिर, बद्रीनाथ, त्रियुगी नारायण और कमलेश्वर मंदिर। इसका सही जवाब है त्रियुगी नारायण, यानी हरियाली मेला आपका कहाँ मनाया जाता है, त्रियुगी नारायण में मनाया जाता है। अब देखिए त्रियुगी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है। यहाँ पर हरियाली मेला सूक्ष्म रूप से मनाया गया, क्यों, कोविड-19 की वजह से। अब देखिए गांव की विवाहित बेटियों एवं बहनों ने आराध्य भगवान बामन, किसको, भगवान बामन को रिंगाल की टोकरी, रिंगाल की जो टोकरी होती है उसमें उगाई जौ की हरियाली भेंट की। तो क्या किया जाता है, इसमें जो जौ होती है ये भगवान को भेंट की जाती है। अब देखिए 29 अगस्त को यहीं पर बामन द्वादशी मेला भी, कौन सा, बामन द्वादशी मेला भी सूक्ष्म रूप से आयोजित किया जाएगा। तो यह बात याद कर लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बामन द्वादशी मेला रुद्रप्रयाग में मनाया जाता है, हरियाली मेला रुद्रप्रयाग में मनाया जाता है, कहां पर, त्रियुगी नारायण मंदिर में मनाया जाता है। अब देखिए परंपरा के अनुसार ग्रामीणों ने जौ की हरियाली भगवान नारायण को अर्पित की थी। अब देखिए इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि भगवान बामन ने अवतार लेने से 4 दिन पूर्व अपनी माता अदिति व देव कन्याओं को अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे और प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान को हरियाली भेंट की थी। तो छोटी सी कहानी में क्या है कि भाई भगवान बामन ने अवतार लेने से पहले यहाँ पर क्या अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे और लोगों ने प्रसन्न होकर उनको हरियाली भेंट की थी। अब देखिए इसी वजह से तब से ही हरियाली मेला आयोजित किया जाता है। अब देखिए बात की गई त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में, तो आइए इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए पहली बात, यहाँ पर हरियाली मेला और दूसरी बात बामन द्वादशी मेले का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर, त्रियुगी नारायण मंदिर में। अब यह मंदिर है कहाँ, रुद्रप्रयाग जनपद में, कहाँ पर, रुद्रप्रयाग जनपद में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि रुद्रप्रयाग जनपद का गठन कब हुआ। अब देखिए भगवान विष्णु की उपस्थिति में शिव और पार्वती का विवाह स्थल त्रियुगी नारायण कालीमठ से 49 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ एक अमर ज्योति प्रज्वलित होती है। अब देखिए त्रियुगी नारायण मंदिर आपका रुद्रप्रयाग में है और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की उपस्थिति में शिव पार्वती का विवाह यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि हरियाली मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो रुद्रप्रयाग में किया जाता है। किस मंदिर में, त्रियुगी नारायण मंदिर में आयोजित किया जाता है। आइए अब कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, अ स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी पुस्तक किस महान गायक के गढ़वाली गानों का अंग्रेजी अनुवाद है। इसका सही जवाब है नरेंद्र सिंह नेगी जी। दूसरा क्वेश्चन है, अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की नींव का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी CBRI। देखिए मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम तो नहीं कह सकता लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया IIT रुड़की, लेकिन इसका सही जवाब है CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप लोग करेक्ट कीजिएगा खुद को, इसका सही जवाब है CBRI। लेकिन आंसर लिखना अपनी आदत बना लीजिए और इससे आप क्योंकि अपना आंकलन कर सकते हैं, सही गलत होना अलग बात है लेकिन इससे आप अपना आंकलन कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब था CBRI। आइए आज के क्वेश्चन देखते हैं।
तो आज का पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सेवा क्षेत्र में कितना ऋण दिया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, प्लांटिका फाउंडेशन की ओर से किसे बेस्ट थीसिस एंड इनोवेटिव रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपका कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके लिए पीडीएफ मनीषा मखलोगा ने तैयार की है। मिलते हैं कल सुबह 29 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।